अच्छा राज भाई, एक क्वेश्चन का आंसर दो यार। आप तो साइंटिस्ट आदमी हो, हम तो भाई अंगूठा छाप। एक बात बताओ यार, एक क्लेम किया जाता है कि शिक्षा जो है वो पिघला करके हमारे शूद्र भाइयों के कान में ब्राह्मण जो है डाल देता था, ऐसा किताब में लिखा है, किसी संस्कृत की किताब में लिखा है, संस्कृत भाषा में, इसीलिए वो हमारे अच्छा धर्म का कल्चर है। मैं जी, आपसे जानना चाहता हूं कि शीशा पिघलाने के लिए, पता है बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ससुराल आज तक ब्राह्मण की वो भट्टी नहीं मिली जिसमें वो शीशा पिघलाता था। जी अब देखिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना वो फ्लैट ग्लास का, वो सिलिका सैंड होता है जिसकी मेल्टिंग टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक जी है, तो शीशे को पिघलाने के लिए आपको कम से कम ऐसी भट्टी चाहिए जो आप चूल्हे पे नहीं कर सकते, और मिट्टी के चूल्हे में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और गैस के चूल्हे में भी नहीं कर सकते। आपको 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए शीशे को पिघलाने के लिए। उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड फर्नेसेस चाहिए होंगे सर। तो ये जो क्लेम है ये साइंटिफिकली इतना इनएक्यूरेट है कि इस पे तो मुझे हंसी आती है। नहीं, इसको तो साइंस ही, ये क्लेम तो साइंस ही गलत साबित कर देता है, साइंटिफिक तरीके से ये क्लेम गलत साबित हो जाता है। जी बिल्कुल सर, मेरे पास भी दो चार किताबें हैं और एक गाना भी है, एक महान जी ऑथर ने लिखा है। ठीक है, एक महान ऑथर की एक महान रचना है मेरे पास जिसमें कि बताया गया है, सुनिए गौर गौर से सुनिएगा। काल से पहले वही था, काल के बाद वही, जाने कितनी सदियों से ले रहा वो तेरी। समझ रहे हैं, ये एक महान संरचना है जिसमें पार्श्व भाग में जो सोने का या बांस का या चांदी का किसी भी तरह का जो डंडा है वो प्रविष्ट जब किया जाता है तो उस जी तो इसी के बारे में एक बहुत महान संरचना है कि बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगरमा बड़ी आग है। तो आप जिगर के आग से 1700 डिग्री सेल्सियस कहाँ से, कौन से ब्राह्मण की भट्टी है वो जरा बता दीजिए। ये इतने मूर्ख होते हैं राज भाई, इनको मैं बार बार यही समझा रहा था। मैंने इनको उपनिषदों का और शास्त्रों का दिया रेफरेंस कि देखिए ऐसा नहीं है कि हर संस्कृत में लिखी हुई चीज धर्म ग्रंथ है और धर्म का आदेश है भाई। बहुत कुछ अभी आज देखिए, अब हिंदी में क्या है, अब आज हिंदी आज की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, हिंदी एक भाषा है, तो हिंदी में भैया मियाँ खलीफा के बारे में भी लिखा हुआ है, और हिंदी में भैया बुद्ध और महावीर और हिंदू देवी देवताओं पैगंबर साहब के बारे में भी लिखा हुआ है, तो क्या मान लेंगे हम? कह देंगे कि भैया हिंदी में लिखा हुआ तो मियाँ खलीफा की स्टोरी भी धर्म ग्रंथ है? इतने दिमाग से पैदल होते हैं ये, इतने दिमाग से पैदल होते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई इनको दिमाग आता कहां से है। और अगर इतनी कमी है दिमाग की तो कहीं किसी से गिरवी उधार ले ले, बहस में आ जाते हैं। आप ही ने तो फरमाया था ना ये इस चीज को कि पहले वो कहते थे किताबों में हमारी बातें हैं, उसके बाद कहा उन्होंने कि पत्थरों में हमारी बातें हैं। पत्थरों में और हमारी उस दिन बातें हैं। जी उस दिन स्ट्रीम में हमने देखा पत्थर में एक जो हाथी है वो पीछे से एंट्री ले रहा है, तो अब जी इस चीज को भी निकल एक्सेप्ट रहा है, करते निकल रहा हैं। है, एंट्री नहीं, निकल रहा था सर। अच्छा वही वही निकल रहा है, माफी चाहूंगा। तो मेरा इनसे यही मतलब कहना है कि अगर पत्थरों में लिखा है, हमने पत्थर देखे हैं, पत्थर में जो हाथी है वो बैक साइड से निकल जाता है, आता भी बैक साइड से है, तो इस चीज को कबूल करने में आपको क्यों शर्म आती है? कबूल करना चाहिए ना। बिल्कुल सोचने की बात है, सोचने की बात है। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं, एक देखिए कुशवाहा भाई, मैंने एक चीज नोटिस की है, ट्विटर पे हो या यूट्यूब पे हो, देर इज अ वेरी कॉमन थिंग कि जहां भी लोग ये सब जाते हैं ना, इनकी तीन चार बातें मैंने नोटिस की हैं, आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। जी, पहले तो इनमें से कोई भी आपको मिलेगा उसकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर नहीं होगी। दूसरी चीज, इनमें से जो भी मिलेगा आपको वो ग्रेजुएट भी नहीं होगा। और तीसरी चीज, मैं लाइव ऑन एयर कह रहा हूं, आपको इनमें से अगर 100 बंदे आपसे टकराएंगे तो ये मेरा चैलेंज है, 100 में से 100 कभी अपनी जिंदगी में साइंस की क्लास में बैठे नहीं होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मेरा चैलेंज क्या बात कर रहे हो सर, बहुत बड़ा क्लेम हो गया ये तो। ये मैं बहुत सारे बड़ा प्लम्बर क्लेम कर होंगे रहा क्या? हूं बिल्कुल, क्यों?
तो ये क्या है ना, 25 साल से कम के जो युवा हैं, जिनको टेक्निकली हम बच्चे कहते हैं, बाल, जिसको अपन के लैंग्वेज में कहल जाला बाल बुतरू, बाल बाल बुतरू, हाँ बाल बुतरू, हाँ लौंडा झौंडा बाल बुतरू, तो ऑडियंस यही है इनकी। तो जो भी आते हैं हमारे पास, भी उनके दो चार चेले आए हैं, मेरे पास भी आए हैं, एक एक साहब हैं जो अपना नाम तर्क के साथ लगाते हैं, लेकिन तर्क वितर्क और कुतर्क में उनको फ़र्क समझ में नहीं आता, तो वो हमारे पास भी अपनी तशरीफ लाए थे, तो हमने मार ली। हमने उनसे वही पूछा कि भाई आप ग्रेजुएट हो गए हैं क्या? तो नहीं, मैं फाइनल ईयर में हूँ। ठीक है, तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब जब मास्टर्स हो जाएगी तो उस वक्त आप DTR पे आना, हमारे पास में एक कंडीशन है कि अगर कि आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आपको DTR पे बोलने का मौका दिया जाएगा। तो उन्होंने फरमाया कि आप अपनी सड़ी हुई डिग्री अपने पास रख लीजिए। ठीक है, आपको बोला जी? तो मैंने कहा कि अब भाई ऐसी बात है कि जिस डिग्री को आप सड़ा हुआ कह रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या MSc हो, है ना, साइंस में या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में बायोलॉजी में, तो मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है जनाब कि पहले आप एक बार ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद आप हमसे आके बात कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया है कुशवाहा भाई कि 5 ये जो चीज़ें मैंने देखी हैं ना, 25 साल से कम की उम्र, ठीक है, 25 साल से कम की उम्र होती है इनकी, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से नीचे की होती है, उम्र जो है वो आप समझ रहे हैं 20 साल 25 साल 22 साल से नीचे की, और एटीट्यूड इतना कि मुझे सिखा जाएं, आपको सिखा जाएं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब क्या कहूँ, हंसी आती है। जर्नी की तो अलग बात है, जर्नी तो वृद्ध अरण्य को वृद्धाड़क पढ़ लेता है, अरण्य कांड को अरण कांड पढ़ लेता है, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो राजभाई ने इसलिए उसका नाम चटनी रखा है ना, अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ किस चीज की चटनी है वो। अरण्य कांड को बोलता है अरण्य कांड। ITI पास इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर से अगर हम फिजिक्स सीखेंगे, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स सीखेंगे, इक्वेशन सीखेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन सीखेंगे, है ना, फैक्टराइजेशन सीखेंगे, है ना, हमने अगर क्लासेस की हैं, प्रोफेसर्स की गालियाँ सुनी हैं, है ना, एक सब्जेक्ट्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बॉन्डिंग्स की हो जाए या श्रोडिंगर्स इक्वेशन हो जाए, फिजिक्स की लेबॉर्ट्री हो, मोटी मोटी थीसिस जो लिखी है, सारे लोग तो सी हैं ना। आसान तो ये होता कि हम किसी को बोलते भाई तुम्हें क्या पाइप ठीक करना आता है, जवाब आता हाँ मैं तो पाइप ठीक करता हूँ, हमर घर बा बिहार, बुझले नू, अब बिहार में घर बा एगो बोलेरो बा, जिला टॉप बा। बिल्कुल, सबसे बड़का बात तो ई बा कि सिवान हमर घर हो। आय हाय 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 कथाऊ लामे का ना है। अब पता बा हम बहुत रिपुटेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ले हई, यूनिवर्सिटी गलती इनवर्सिटी से पढ़ले हई, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, नॉट यूनिवर्सिटी, जहाँ पाई की वैल्यू पूरे देश से पूरी दुनिया से अलग पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, पाई कांस्टेंट नहीं।